हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है अंडा करी। आज इसे हम कुकर में बनाएंगे। आप इस तरह से एक बार कुकर में ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको उसका टेस्ट पसंद आएगा और ये बहुत जल्दी बन जाता है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक कुकर को अच्छी तरह से गर्म कर ले। अब इसमें 4 चम्मच सरसों का तेल डाल दे और इसे अच्छी तरह से गर्म होने दे। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें सबसे पहले हम अंडा को फ्राई करेंगे। यहाँ पर 1 पिंच हल्दी डाल दे। जब आप अंडा फ्राई करेंगे तो तेल ऊपर नहीं आएगा। अंडे को हमें लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। अंडा फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। अब सेम तेल में थोड़ा सा जीरा डाल दे और अब इसमें हरी मिर्च डाल दे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक मीडियम साइज़ के प्याज को इसमें डाल दे और प्याज को हमें सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम एक बड़े साइज़ का आलू काट कर डालेंगे। मैंने यहाँ बिना उबले हुए आलू लिया है और थोड़ा सा इसमें मटर डाल दे। नमक हम साथ में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला ले और मीडियम फ्लेम में इसे 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर ले। आलू मटर फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम टमाटर और मसाला ऐड करेंगे। 1 टमाटर, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड कर दे और थोड़ा सा पानी डाल दे ताकि मसाले को हमें मिलाने में आसानी हो। एक बार हम मसाला मिला लेते हैं, नहीं तो मसाला नीचे से जल जाएगा। अब इसमें 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दे और मसाले को मीडियम फ्लेम में 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर ले। मसाला फ्राई हो चुका है। अब इसमें अंडा डाल दे और इसे अच्छी तरह से मिला ले। अब इसमें 1 कप पानी डाल दे और इसे अच्छी तरह से एक बार मिला ले। अब कुकर का ढक्कन बंद कर दे और हाई फ्लेम में 2 फुल सीटी आने दे। 2 फुल सीटी आ चुका है। अब इसका फ्लेम बंद कर दे और कुकर का सारा प्रेशर निकलने दे। उसके बाद इसे हम चेक करेंगे। कुकर का सारा प्रेशर निकल चुका है। अब इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो ये अच्छी तरह से गल चुका है। इसे अच्छी तरह से मिला ले। अब इसमें हरा धनिया डाल दे और इसे गर्मा गर्म आप राइस या रोटी के साथ सर्व करें। आपको इसका टेस्ट इतना पसंद आएगा कि आप हमेशा इस तरह से कुकर में बनाना चाहेंगे और इससे आपका टाइम भी बचेगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।